गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जेके अनबॉक्सिंग। मैं हूं आपको जीन और मैं फिर से लौटा नई वीडियो के साथ। सो गाइस आपको थोड़ा सा छोटा सा बताना चाहूंगा कुछ कि मैंने डिसाइड कर लिया वो दो दिन जिस दिन मैं वीडियोस डालूंगा वो है संडे और वेनसडे। तो इस दो दिन मैं डालूंगा वीडियोस वो रेगुलर चलता रहेगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे बताया था कि भाई इस दिन वीडियो बना, इस दिन वीडियो बना। इनफैक्ट कुछ लोगों ने मुझे बोला कि भाई रेगुलर वीडियोस बना तभी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो गाइस थोड़ा सा इतना मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम पड़ता है तो मैं दो दिन वीडियो डालूंगा वो है वेनसडे और संडे। मैं ये दो दिन वीडियो डालूंगा। तो आज की वीडियो हम शुरू करेंगे। आज की वीडियो में क्या करेंगे, आपको कुछ न्यूज़ सुनाएंगे जो अपडेट अभी जो मुझे अभी रिसेंटली पता चला है। तो बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर देना जिससे नई वीडियो जब मैं डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। और बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आपका अपडेट है ये एप्पल यूजर्स या एप्पल फैंस के लिए। तो गाइस एप्पल अपना नया आईफोन रिलीज कर रहा है, वो है आईफोन 12 जो लॉन्च होगा सितंबर 8 को। अपने रिलीज डेट दे दिया है एप्पल ने, ट्वीट किया है अपने ट्विटर पे। तो आप जाके देख सकते हैं ट्विटर पे कि एप्पल कब लॉन्च कर रहा है। सितंबर 8 को फाइनल डेट फिक्स कर दिया है। और साथ ही साथ एप्पल आईफोन 12 के साथ साथ अपना नया मैकबुक भी निकाल रहा है मॉडल। और साथ ही साथ एप्पल वॉच भी नई सीरीज निकाल रही है। और सबसे ब्रांड न्यू चीज़ जो निकलने वाली है वो है एप्पल एयर ग्लासेस, जो अभी तक एप्पल रूमर्स दे रही थी कि ये आने वाला है, ये आने वाला है। तो एप्पल आखिरकार अपना नए ग्लासेस लॉन्च करने वाला है। तो देखते हैं कैसा होगा और उसकी भी वीडियो हम बनाएंगे जल्दी जल्द जब लॉन्च हो जाएगा। उसके साथ साथ एप्पल एक और अपडेट एप्पल की तरफ से ये है कि एप्पल अपना आईफोन 11 प्रो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है क्योंकि अब एप्पल का रेट थोड़ा और कम हो जाए और हम सब अफोर्ड कर पाए। तो चलते हैं अपने अगले अपडेट पे। तो गाइस ये अपडेट है यूट्यूबर्स के लिए या जिनका यूट्यूब चैनल है जो बहुत अच्छे लेवल पर चलता है। तो गाइस मैं कहना चाहूँगा अपना चैनल थोड़ा संभाल के रखिए। अभी रिसेंटली अपने कैरी बाय का चैनल भी हैक हो गया था जो है कैरी इज लाइफ, क्योंकि उनने भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट किया होगा रिगार्डिंग स्पॉन्सरशिप के लिए और उनका चैनल हो गया हैक। तो कोई चिंता की बात नहीं है ये, क्योंकि हैक हो के अभी न्यूज़ ये भी आई है कल 6 बजे कि उनका चैनल बैक हो चुका है, रिकवर हो चुका है। तो आप जाकर आप देख सकते हैं, अब पता चल जाएगा कि अगली लाइव स्ट्रीम में वो बताएंगे क्या हुआ था, तो देखेंगे। तो गाइस उनके साथ साथ दो और लोगों का भी, बड़े यूट्यूबर्स का हैक हुआ था चैनल, तो जिनका भी अच्छा खासा चैनल चल रहा है, मोनेटाइज्ड चैनल है। तो भाई थोड़ा संभल के रहना क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हैकिंग वगैरह हो रहा है चैनल्स पे। तो चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। तो गाइस asus ने अपना नया गेमिंग फ़ोन निकाल दिया, वो है ROG फोन 3। तो उसी हिसाब से asus ने एक छोटी सी दुख खबर ये दी है कि जो लोग सोच रहे थे ROG फोन 3 मार्केट में जब आएगा तो ROG फोन 2 का रेट कम हो जाएगा और वो ले लेंगे, तो उनके लिए एक दुख खबर यह है asus ने ROG फोन 2 को इंडिया से डिसकंटिन्यू कर दिया है। जो लोग सोच रहे थे कि ROG फोन 2 ले लेंगे जब ROG फोन 3 मार्केट में आ जाएगा, तो ये उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज सा हो गया है। अगर आप चाहते हैं मैं ROG फोन 3 का अपडेट आपको दूँ तो मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कर देना कि उसके स्पेसिफिकेशन क्या है। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था वो था वन प्लस नॉट के बारे में, अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन में दे रखा, वहां से जाकर जरूर चेकआउट कर दीजिए। ना चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो गाइस ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि तो अगर मेरी पिछले वाली वीडियो अगर आपने देखी होगी तो उसमें मैंने आपको बताया था वन प्लस नॉट के बारे में, तो उसी के रिगार्डिंग एक न्यू सब अपडेट देना चाहता हूँ। तो अमेजोन ने एक प्री बुकिंग टाइप से कुछ बना रखा है, उस पर लगभग 4 मिलियन प्लस लोगों ने रिक्वेस्ट भेजे है प्री बुकिंग के रिगार्डिंग वन प्लस नॉट का। तो बहुत ज़्यादा हाइप है वन प्लस नॉट, जब ये लॉन्च होगा तो
तो आप सोच नहीं सकते कितनी जल्दी ख़त्म होने वाला है इसका सेल, तो आपको डेट ज़रूर याद रखना, वो अगर आपने पिछले वाली वीडियो में देखा होगा तो उस पर मैंने बता रखा, अगर आपने नहीं देखा तो फिर भी जाके देख लेना, आई बटन में दे रखा, वहाँ से ज़रूर चेकआउट करके डेट याद रखना अगर आपका वन प्लस नोट ख़रीदना है। तो चलते अगले अपडेट की तरफ जो है सैमसंग की तरफ से। तो गाइस सैमसंग निकाला अपने नया फोन एम सीरीज में, वो है M51। अभी तक लगभग बहुत सारे एम सीरीज में फ़ोन निकाल रखा है सैमसंग ने, तो अभी सैमसंग निकाल रहा है M51। अगर आप चाहते हैं मैं अलग से वीडियो स्पेसिफिकेशन बनाऊँ M51 का, तो उसका भी मुझे कमेंट डाउन ज़रूर कर देना कि मैं वीडियो बनाऊँगा अगर आप लोग बोलोगे तो। तो जल्दी जल्द M51 की सेल शुरू हो जाएगी अमेजोन पे, तो आप जाके ज़रूर सर्च मार लेना। तो गाइस चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट है मोटरोला की तरफ से। तो गाइस मोटरोला अपना नया फ़ोन निकाल रहा है, वो है G9 Plus। तो अभी जल्दी जल्द इंडिया में लॉन्च हो रहा है मोटरोला, तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये आपको अपडेट करने के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही अपडेट था, अगली वीडियो में मैं फिर से लौटूंगा, शायद अगली वीडियो हो सकती है अनबॉक्सिंग या कोई टेक न्यूज़ ही हो सकती है, नेवर वी नो, मैं स्टे ट्यून जरूर रहना, जो भी होगा अच्छा ही होगा। चलते हैं अभी, अलविदा बोलने का टाइम आ चुका है। तो गाइस फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बगल में जो घंटी वाला आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, और वीडियो का लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। तो चलते हैं अब, मैं कब कब वीडियो डालूंगा मैंने आपको पहले भी बता दिया, फिर से बताता हूँ, मैं वेनसडे और संडे वीडियोस डालूंगा, डेज याद रखना, ये दो दिन मैं वीडियोस डालूंगा आपको अपडेट करने के लिए। तो इस वीडियो में बस यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं, फिर से लौटूंगा नई वीडियो के साथ, नया कंटेंट के साथ। तब दिस इज जीन साइनिंग ऑफ, बाय।